हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमारी सरकार ने कभी भेदभाव की राजनीति नहीं की। हमने राज्य में सबको सम्मान रखते हुए विकास कार्य करवाए हैं। ये विचार राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बीकानेर संभाग की गौरव यात्रा के शुभारंभ अवसर पर बिश्नोई समाज के प्रमुख तीर्थस्थल मुकाम में आयोजित कार्यक्रम में कहे। सभा को संबोधित करते हुए सीएम राजे ने विपक्ष पर हमला बोला। सीएम ने कहा कि विपक्ष यात्रा को रुकवाने के लिए बार बार कोर्ट में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितना चाहे जोर लगा ले, उनका हेलीकॉप्टर और रथ रुकने वाला नहीं। प्रदेश में 36 कौम का बड़ा परिवार है। प्रदेश की मुखिया होने के नाते मुझे सबके पास पहुंचना है। राजे ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि भाजपा राज में विकास कार्यों से विपक्ष पचा नहीं पा रहे हैं, जिससे चलते वो कोर्ट तक जा पहुंची। राजे ने मुकाम के पीठाधीश्वर रामनंद जी महाराज से कहा कि पहले हुई सभा में स्वामी जी ने कहा कि स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म में नीला रंग को बदलने की बात कही, जिससे परिणाम स्वरूप संपूर्ण राजस्थान में स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म का कलर बदल दिया। राजे ने कहा कि ईश्वर के आशीर्वाद और संतों का स्नेह और भाजपा की नीतियां और जनता का प्यार और 36 कौम का साथ प्रदेश में वापस भाजपा की सरकार बनेगी। राजे ने कहा कि नोखा में भाजपा का विधायक नहीं होने के बावजूद भी नोखा के लिए सरकारी खजाना हमेशा खुला रहा और क्षेत्र में पानी, बिजली और शिक्षाएं, सड़क जैसे अनेक कार्य करोड़ों की लागत से हुए। इससे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हेलीकॉप्टर से मुकाम पहुंची, जहां से वो सीधा मुकाम मंदिर में गुरु जम्भेश्वर भगवान की समाधि पर धूप लगाई। इस मौके पर अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिलाल भुवाल और अन्य पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का मंदिर में अभिनंदन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मुकाम पीठाधीश्वर स्वामी रामनंद जी महाराजे, कतरियासर धाम महंत बिबलनाथ सिद्ध, केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य बिहारी लाल बिश्नोई, सूरतगढ़ विधायक राजेंद्र भादु, नोखा प्रधान कन्हैयालाल सियाग, रमेश्वर भाटी, रामगोपाल सुथार सहित कई लोग मंच पर मौजूद थे। आरडी 860 की सभा के दौरान पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी उनके साथ रहे, जबकि केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहीं पर भी नजर नहीं आए। भाटी और उनके लोगों ने सभा के बीच बीच में पर्चियां देकर अपनी मांग रखी। सभा के बाद किसान और भाजपा नेता हुक्माराम बिश्नोई ने सिंचाई पानी सहित किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर कोलायल प्रधान जयवीर सिंह भाटी, रामकिशन आचार्य आदि भी मौजूद रहे। सभा के बाद भाटी के साथ राजे ने पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों से क्षेत्र की समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी लिए। बीकानेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।